ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेदर टच में एक फिर से न्यू लेडीज बैग का वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आज जो हम कवर करने वाले टॉप क्वालिटी का फुल ग्रेन बफेलो लेदर में हैंडबैग होने वाला है। ये जो हैंडबैग होने वाला है इंस्पायर बाय गिवांशी डिजाइन होने वाली है। जो गिवांशी का जो बैग होने वाला है वो आपको स्क्रीन पे आपको लेफ्ट राइट में पॉपअप होता रहेगा इमेजेस, और भी आगे वीडियो में पॉपअप करते रहूंगा। बैग हम लोग ने बनाया है वही ब्रांड का जो बैग है उससे इंस्पिरेशन लेके बनाया है, प्योर लेदर में। हम लोग कुछ हर बार नए डिजाइन, हर बार कुछ नए नए प्रोडक्ट्स में R&D करते रहते हैं, इसी तरह प्रोडक्ट लाते रहते हैं। ये प्रीवियसली एक लॉट बन के चले गया था, थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस बाकी था। यहाँ पे है अपना लेडीज हैंड बैग, बन के आया है टॉप नॉच क्वालिटी में, टॉप नॉच फिनिशिंग में और टॉप नॉच एसेसरीज के साथ। जो हो सकता था उसके अंदर हम लोग ने एड ऑन किया हुआ है। जो कमी पेशी रह गई है बैग में, जैसे जैसे बैग बनते रहेगा और भी चेंजेस लाते रहेंगे और भी बेहतरीन बैग को करने की कोशिश करेंगे। चले बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा बैग की तरफ चलते हैं। बैग जो आपको दिख रहा है ये एज इट इज हैंड बैग होने वाला है। ये सेम बैग आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको लेफ्ट या राइट में इसकी इमेजेस जिससे इंस्पायर्ड है ये जो ब्रांड का बैग है, ये आपको लेफ्ट राइट में फोटोज वगैरह आती रहेगी। ये जो बैग की ओवरऑल डिजाइन है सेम टू सेम रखा है बिना चेंजेस के साथ, और जैसा सेम टू सेम बना सकते थे जितना ट्रू हम लोग उतार सकते थे उतना ट्रू उतारे हुए हम लोग ने बैग। हम लोग के जो कारीगर लोग ने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम दिया है, फर्मा वगैरह निकाला है, पैटर्न वगैरह काटा है। और एक एक बात मैं बताता हूँ, जब तक का हम लोग एग्जैक्ट सेम नहीं बना लेते, बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे लेदर सैंपल्स बैग्स बना करके हम लोग रखते हैं असाइड। मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी इसका एक जो बैग्स के कितने सैंपल्स हम लोग ने बनाए वो भी बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आपको मैं लेके चलता हूँ। ये लेदर के सोर्सेस भी लगे हुए, क्या लेदर यूज कर रहे हैं हम लोग उसके लिए। ये आप देख सकते हैं 9.29 गेज का बफेलो का एकदम टॉप क्वालिटी का लैब टेस्टेड लेदर आ जाएगा। और एक एक चीज बता देता हूँ, जो लेदर प्रूफ कर देगा ये लेदर नहीं है उसको 5 लाख रुपीज का इनाम है। और इसके अंदर देखिए हम लोग ने कोच की ब्रांडिंग दे रखी है और बाकी वो पूरी डिजाइन इंस्पायर्ड बाय हमारे बैग से। तो ये आप देख लीजिए, ये ओवरऑल बैग की डिजाइन होने वाली है, ये मिलिट्री ग्रीन कलर आ गई। इसके अंदर लॉन्ग स्ट्रैप भी आएगा, देखिए एकदम बेहतरीन रखा हुआ है बैग, एकदम सिंपल एंड सोबर रखा हुआ है। फुल्ली क्रोम फिटिंग एसेसरीज आएगी, चेन वगैरह भी एकदम टॉप नॉच एसेसरीज है। ये एज इट इज आप हैंड कैरी कर सकते हो, एज इट इज हैंड कैरी कीजिए, एज इट इज आप शोल्डर कैरी कीजिए, एकदम कंफर्टेबली आप कैरी कर सकते हो जैसा कैरी करना है आपको। कंपार्टमेंट्स में इसके लेके चलता हूँ आपको सीधा, या एज इट इज आप जैसे ही चेन ओपन करोगे और इसका बेस देख सकते हैं, अच्छा खासा आपको बेस मिलने वाला है। और इसका जो पैटर्न स्टाइलिंग होने वाला है ये भी आप देख सकते हैं। तो ये आगे और वीडियो में कवर करेंगे, जब तक का मैं आपको बैग का इंटीरियर चेकआउट कराता हूँ। बैग के अंदर में जैसे ही ओपन करोगे आपको लॉन्ग स्ट्रैप दिख जाएगा, लॉन्ग स्ट्रैप को रखते हैं असाइड। इसके अंदर जो अपने फिनिशिंग है, क्वालिटी है, डिजाइन है, अंदर के बात मैं करता हूँ। बैग जो होने वाला है ये 600 ग्राम्स के अंदर होने वाला है। इसके डायमेंशंस में आपको बता देता हूँ, इसकी लेंथ 15 इंच होने वाली है H2H, और इसकी जो हाइट होने वाली है, हाइट होने वाली है 10 इंच। ओवरऑल डायगनल भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसका डायगनल भी आ जाएगा आपको 15 इंच का। तो ये ओवरऑल बैग का जो क्वालिटी एकदम सॉफ्ट और लाइट वेट होने वाला है, ओनली लेदर और लाइनिंग होने वाला। तो कंपार्टमेंट्स की बात कर रहे थे, जैसे ही हम कंपार्टमेंट ओपन करेंगे यहाँ पे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स दिखाई देंगी इंटीरियर में। जो ब्रांड की जो बैग होती है सब ब्रांड्स के अंदर है ना खाली खोखा होता है, अंदर कुछ भी नहीं आता, अंदर खाली ओपन स्पेस होता है, तो सब जो सामान आता है इकट्ठा रखते हैं लोग। तो हम लोग ने जो किया हुआ है इसके अंदर आपको एडिशनल पार्टीशंस दिया हुआ है, पॉकेट्स दी हुई है। ये पार्टीशन हो गया, ये फुल्ली जॉइंट है। अच्छा, लोगों की पार्टीशन बीच में से ओपन रहती है तो इधर का सामान इधर, इधर का सामान इधर हो जाता है, मगर ये पूरी जॉइंट पार्टीशन है। जॉइंट पार्टीशन होता है, इसके अंदर आपको दो अलग अलग पॉकेट हो गई, ये सेपरेटेड पॉकेट है और बीच में एक मेन कंपार्टमेंट पॉकेट है डेडिकेटेड जिप के साथ है। और एक ये मोबाइल पॉकेट हो गया, ऑर्गेनाइजर पॉकेट हो गया, जो वॉलेट मोबाइल आप रख सकते हो। और पीछे एक और एक ऑर्गेनाइजर चेन पॉकेट है, इसके अंदर भी आप अपना सामान हिसाब किताब से रख सकते हो। तो ये ओवरऑल बैग की डिजाइन हो गई।
बैक को रखते हैं असाइड, इसके लॉन्ग स्ट्रैप लगा के बताता हूँ आपको मैं। लॉन्ग स्ट्रैप की भी देखिए क्वालिटी वगैरह, फिटिंग एसेसरीज देख सकते हैं, एकदम टॉप नॉच फिटिंग एसेसरीज लगाया हुआ है, क्रोम फिटिंग एसेसरीज है। और एक चीज बता देता हूँ, लेदर की लाइफ टाइम गारंटी होने वाली है और एसेसरीज की 2 इयर्स की वारंटी होने वाली है। एसेसरीज में रनर, लाइनिंग, फिटिंग, जिपिंग, स्टिचिंग, उसके बाद भी कुछ होता है हम लोग बैठे हैं, फील फ्री आइएगा। हमारे और भी कस्टमर्स लोग है, वो एकदम सेटिस्फाइड है हम लोग की सर्विस। तो मैं लॉन्ग स्ट्रैप लगा के बताता हूँ, ये मिनिमम 30 इंच हो जाएगा, मैक्सिमम 60 इंच हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, ये एडजस्टर से हो जाएगा। ये जो एडजस्टर आप देख रहे हैं, ये एडजस्टर लगा हुआ है, अपने हाइट के हिसाब से इसको लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हो आप। तो मैं इसको एक स्वीट हाइट पे रख के आपको करके दिखा देता हूँ। ये एक स्वीट हाइट है, ये देख सकते हैं, ये सर साइडवेज में लगेगी जिप, साइडवेज में ये लगेगा, ये एज इट इज इधर साइडवेज में दोनों साइड लग जाएगा। ये फुल्ली एडजस्टेबल बैग हो गया, ये पूरा टोटली स्लिंग हो गया, ये एज इट इज आप कैरी कर सकते हैं। एज इट इज इसका लुक चेकआउट कीजिए, ये 3-in-1 बैग हो गया, ये साइड बैग, स्लिंग बैग, वन साइड टू साइड दोनों हिसाब से ले सकते हो। और हैंडल भी एकदम सीधा रहेगा आपका, हैंडल के साथ भी आप यूज करोगे तो इसका लुक ऐसा आने वाला है, इस तरीके का लुक आएगा। और बहुत ही लाइट वेट और कंफर्टेबल बैग एकदम बनाया हुआ हम लोग ने। इसका हैंडल डिटैचेबल है, लगा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो ये देख सकते हैं आप बैग की ओवरऑल लुक, एक बार इसका क्लोज लुक चेकआउट कर लीजिए। ये क्लोज लुक देने का मतलब ये है कि आप क्लोज लुक में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कलर्स वगैरह भी बहुत अच्छे आपको दिखाई देंगे। और मेरे को स्क्रीनशॉट सीधा व्हाट्सअप करना है आपको, वहां पे वगैरह, और आपका एड्रेस देना है, घर बैठे बैठे आपको माल मंगाना है। तो इसके अंदर हम लोग के पास 6 कलर्स में माल अवेलेबल है, तो मैं आपको इसके कलर्स और भी चेकआउट कराता हूँ। ये देखिए, ये सेकंड कलर आ गया, ये भी बहुत अल्टीमेट कलर्स है। जितने भी कलर्स है, ये रेगुलर बेसिस पे हम लोग के जितने भी लॉट्स में कलर आते हैं, यही कलर होते हैं। कमो बेस 2-4 कलर आगे पीछे बना लेते हैं हम लोग, जैसे अवेलेबिलिटी रहती है लेदर्स की। तो ये आप लेदर्स की क्वालिटी देख सकते है, 9.29 गेज का बफेलो लेदर आएगा। और एक एक बात बता देता हूँ, ये टोटली हैंडमेड बैग होते हैं और फिनिशिंग वगैरह एकदम टॉप नॉच रहेगी, क्वालिटी वगैरह एक तक की इधर से उधर सिलाई नहीं मिलेगी आपको स्टिचिंग्स की। और ये जो बैग होते हैं, लेदर के बैग होते हैं, लेदर आपको भी मालूम है बहुत कॉस्टली होते हैं, और बहुत ही हम लोग के जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनका जो स्किल्ड लेबल यूज करते हैं, बहुत ही उमदा माल बनाते हैं। और एक एक चीज है, जो ये जो पूरा लॉट बना है, ये सिंगल हैंडेड बैग बना है, माने कि जो कारीगर है उसने ही पूरा लॉट बनाया है, ना कि ये मल्टी हैंड बैग्स बने हैं। जैसे कि आप एक कारखाने में 5 आदमी है, 5 आदमी मिलके एक बैग बनाएंगे ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है या कुछ ना कुछ नुक्स आ जाता है। तो एक जो लॉट है, ये पूरा 100 पीस का लॉट है, ये 100 पीस जो बनाया है ये एक ही आदमी ने बनाया है और पूरी शिद्दत के साथ बनाया है। तो ये बैग के अंदर आपको जरी भी इम्प्योरिटीज और कमी पेशी नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं इसके जो स्टिचिंग्स है ना, ये जो स्टिचिंग वगैरह भी है ना, ये एकदम हैंडमेड स्टिचिंग एसेसरीज लगी हुई है। जरा भी आपको 19-20 नहीं आएगा, इवन लुक नहीं आएगा, जैसे लगी हुई है पूरी वेग जैसी लगी रही है। तो इसका एक क्लोज लुक ले लीजिए, ये हमारा चीकू कलर है, एकदम लेटेस्ट कलर है, ये भी लिमिटेड ही स्टॉक अवेलेबल रहता है हम लोग के पास स्टोर में। ये ब्रांडिंग देख सकते हैं, हम लोग ने कोच की ब्रांडिंग मारी है। बैक प्लेन प्लेन अच्छा नहीं लगता, नीचे वगैरह भी लेदर वगैरह लगा करके एकदम अच्छे से अच्छा बैग बनाने की कोशिश की हुई है। ये देखिए, नेवी ब्लू कलर आएगा, बहुत ही अल्टीमेट कलर है। इसका एक क्लोज लुक ले देता हूँ, ये एज इट इज आपको ब्लू दिखता रही होगा, ब्लैक दिखता होगा।
देखिए नेचुरल कलर्स देखिए, ब्लैक एंड ब्राउन भी अल्टीमेट दिख रहा होगा, तो ये देख सकते हैं आप। बहुत ही स्लीक लुक बनाया है, बैक को बहुत अच्छा डिजाइन वगैरह किया हुआ है, तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट हम लोग को व्हाट्सएप पे कर दीजिए और अपना पर्सनल फेवरेट कलर ऑर्डर कर लीजिए जल्दी जल्दी से, और लिमिटेड स्टॉक होने वाला है और फास्ट सेलिंग होता है ये सब भी माल हम लोग का, तो आप फटाफट से डीएम कीजिए। बाद में फिर बैक थोड़ा बहुत कट रेंज हो जाएगा, कट रेंज का मीनिंग ये है जैसे कि समवॉट चार पांच कलर है तो उसमें दो कलर तीन कलर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो जो लिमिटेड कलर होगा रिमेनिंग कलर होगा उसमें से आपको माल मंगाना होगा, तो जो फर्स्ट हम लोग को डीएम करता है मैसेज करता है या जो पेमेंट भेजता है तो उन लोग का माल पहले निकल जाता, तो फर्स्ट आओ फर्स्ट ले जाओ यही हम लोग की पद्धति है, यही इस तरीके से ही हम लोग बिजनेस करते हैं। ब्लैक वगैरह भी रिच लुक दे रहा है, तो ये ओवरऑल बैग की जो डिजाइन थी हम लोग ने पूरी कवर कर ली है। कैसा लगा हम लोग का बैग्स आप कमेंट कर सकते हो, और कुछ भी क्वेरीज रहेगी वो आप कमेंट में डाल सकते हो, और व्हाट्सएप में मेरा नंबर है तो वहाँ पे भी हमारी बातचीत होती रहेगी। और मेरी जो शॉप होने वाली है, बहुत सारे लोग पूछते हैं मुंबई बेस्ड शॉप होने वाली है, ये साइन धारावी में लोकेटेड है मेरी शॉप, धारावी लेदर मार्केट से बहुत फेमस है ये एरिया, और लेदर मार्केट में मेरी शॉप है, मेरा नाम है अमीन, लेदर टच हमारे फॉर्म का नाम है, शॉप का और स्टोर का नाम लेदर टच होने वाला है, साइंस स्टेशन से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस का लोकेटेड है। ऐसे ही मैं लेदर का नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में। हम लोग के पास मेनली आपको लैपटॉप बैग्स, लेडीज एंड जेंट्स ऑफिस बैग्स, ट्रैवल बैग्स, बैकपैक्स, बेल्ट, वॉलेट और जैकेट्स, और स्लिंग बैग्स, डफल बैग्स, लगेज बैग्स, पासपोर्ट्स, ये ऑल आइटम्स में डील करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, कलर, लेदर और पैटर्न्स में डीलिंग है हम लोग का। और जो कुछ भी आपको चाहिए मेरे को आप अपफ्रंटली मैसेज कीजिएगा कि मेरे को ये चीज चाहिए, उसके अंदर मेरे पास जो भी स्टॉक्स अवेलेबल रहेगा मैं आपको भेजने की कोशिश करते रहूंगा। और हम लोग का जो शॉप है इधर होलसेल रिटेल्स वगैरह भी होता है, शॉप पे भी विजिट कर सकते हो, ऑनलाइन भी हो जाएगा। तो ये कुछ हमारी शॉप है और ये कुछ हम लोग स्टफ बेचते हैं, और ऐसे ही मैं लेदर का नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर से एक नए फ्रेश वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए शुक्रिया।